उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के बसंत कुमार को रिकॉर्ड मतों से हराया है। बीजेपी ने विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी पत्नी को ही इस सीट पर उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर सीट से बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है और जीत हासिल करने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत के बाद पार्वती दास को शुभकामनाएं दी है। और ये देखिए तस्वीर है, किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में झंडा लिए। बागेश्वर सीट पर बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार को हराया है। आज बागेश्वर में हुए उपचुनाव में श्रीमती पार्वती दास जी 2407 वोटों से विजयी हुई है। क्षेत्र की जनता ने स्वर्गीय चंदन राम दास जी की श्रद्धांजलि देते हुए ये जीत भाजपा की आज अच्छी हुई है, और इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका जनता ने आज प्रतिफल दिया है। तो बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को हराया है।